वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इन सवालों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला सवाल ये है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए तो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए तो करते क्या है, इसको इसका एक फार्मूला होता है। तो आप इसको फार्मूला मान लीजिए, घटा हुआ मूल्य m बटे 100 इंटू एक्स अपान वाई, ये घटा हुआ मूल्य होता है। तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर इसका निकल आएगा घटा हुआ मूल्य। तो परसेंटेज m, मतलब इसको m मान लेते हैं, ये m है, और इसको x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। तो ये x और y वैल्यू पुट करते इसका घटा हुआ मूल्य निकल आएगा। तो 10% 10/100 इंटू एक्स कितना है 450 इंटू वाई ये हो गया। सॉल्व करते हैं, 5 9 जा 45, तो हो गया ये 0 90, 10 10 1 जा 10, और ये हो गया 10 10 जा 100। तो 10 से इसको काटा, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90, तो घटा हुआ मूल्य जो आया 9 रुपए पर केजी। तो व्यक्ति घटा हुआ मूल्य निकला 9 रुपए पर केजी, तो इसका आंसर आया 9 रुपए पर केजी। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य निकाला था, अब की बार बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है। तो वैल्यू यही होगा, बस ये क्या करना है, घटा हुआ मूल्य की जगह बढ़ा हुआ मूल्य लिख देंगे, बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, बस फार्मूले पुट कर दीजिए, इसको m मान लेते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। तो ये 20/100 इंटू एक्स है 145, वाई है 2, काट दीजिए 20 1 जा 20, 25 जा 100। तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 29/2 इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, डेसिमल लगा के 14.5 रुपए प्रति, क्या दिया है, अंडा दर्जन के हिसाब से, तो प्रति डजन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया 14.5 रुपए पर डजन। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये पर केजी से घटकर 8 रुपये पर केजी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पहले की तरह रहे। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले को, पहले वाले को m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, खपत में प्रतिशत की वृद्धि का फार्मूला, खपत में प्रतिशत की वृद्धि का फार्मूला पहले हम लगा देते हैं। फार्मूला इसका क्या है, तो इसमें
एम, जो बड़ा होता है एम और एन में अंतर, बटे जो सबसे वृद्धि निकालना होता है, जो सबसे कम वाला होता है उसको नीचे रखते हैं, इनटू 100 रखते हैं। इसका मतलब होता है जो बड़ा होता है उसे घटा देंगे, एम और एन में जो बड़ा होता है उसे घटा के निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, एम है आपका 10 और दूसरा वाला एन है आपका 8, और 8 नीचे, एन की जगह 8 इंटू 100, 10 में से 8 गया 2, बटे 8 इंटू 100, 2 1 2, 2 4 8, 4 2 8, 2 बचा 4 5 20, तो ये आपका आंसर आ गया 25, 25 रुपए पर केजी। यानी कि तो उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सॉरी इसमें पर केजी नहीं होगा, ये आएगा प्रतिशत, 25%। तो किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपये पर केजी से घटकर 8 रुपये पर केजी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगा जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, तो आपका 25% आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है। अब इसी तरह से किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए पर केजी से बढ़कर 30 रुपए पर केजी हो जाता है, कोई व्यक्ति खर्च को पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगा। अगर रेट बढ़ जाता है, पहले वाले में रेट घट गया था, तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे। तो इस वाले में रेट बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, खपत में कितने परसेंट की कमी करें। तो यहाँ पे खपत में कितने परसेंट की वृद्धि का कमी का जो फार्मूला है, कमी खपत में कितने परसेंट की कमी करें, तो खपत में परसेंट की कमी का फार्मूला होता है, इन दोनों में जो अंतर होता है उसको घटा लेते हैं, और कमी निकालने के लिए जो सबसे अधिक वाला नंबर होता है उसको हम ले लेते हैं नीचे, एम और एन, इसमें से जो सबसे अधिक वाला होगा उसको नीचे ले लेंगे। तो एम और एन में अंतर लेते हैं, तो 20 और 30 का अंतर जो निकला, 30 माइनस 20, और इसमें से अधिक कौन है, 30 इंटू 100, तो जो सबसे अधिक होता है कमी निकालने के लिए, इन दोनों में से जो सबसे अधिक वाला नंबर होता है उसको नीचे लेते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर रखते हैं, इंटू 100 फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो 30 माइनस 20 में माइनस किया 10, और 30 बटे 30 इंटू 100 घटाएंगे, 10 एकम 10, 10 3 30, काटेंगे 100, 3 3 9 10, 3 3 9 3 बचा 1, इसका आंसर आया 33, सही 1/3%। तो खर्च को पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में 33, सही 1/3% की कमी, प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। वेलकम टू माई चैनल, धन्यवाद।